नमस्कार किसान साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ताकत ट्रैक्टर जंक्शन। और आज की इस वीडियो में किसान साथियों, ये लहसुन देख सकते हैं आप। लहसुन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि किसान साथियों, इसकी पिलाई किए हुए अब 10 से 15 दिन के आसपास इसमें समय हो चुका है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो पहले हमने खाद डाले थे किसान साथियों, और हमने आपको वीडियो में भी दिखाए थे, उसमें किसान साथियों पहले तो हमने माइकोराजा प्लस यूरिया और सल्फर और प्लस जिंक, और इसका मिश्रण करके छिड़काव किया था, जो कि वो खाद लगा नहीं, क्योंकि किसान साथियों वो बारिश हुई थी हमारे इलाके में। तो हम बारिश के बाद 2-3 दिन बाद में इसका छिड़काव किया, तो वो अच्छे से काम नहीं करा। फिर उसके बाद किसान साथियों हमने इसकी निराई गुड़ाई की, क्योंकि निराई गुड़ाई करने के बाद किसान साथियों इसमें हमने सोचा यार वो खाद लगा नहीं, तो फिर हमने आपको वीडियो में भी दिखाया था DAP प्लस थोड़ा यूरिया। DAP लगभग होगा किसान साथियों 30 किलो के आसपास, और यूरिया होगा इसमें 10 से 15 किलो के आसपास। तो यूरिया तो हमने पहले भी इसमें छिड़काव कर दिया था, परंतु उसका DAP इसमें आता नहीं है, इसलिए उसके साथ में इसके इसको इसमें मिलाकर इसके साथ में छिड़काव किया, क्योंकि इसका रिजल्ट दिखाने वाले हैं अभी इस वीडियो में हम। तो आप जो रिजल्ट की चर्चा कर रहे हैं, तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं रिजल्ट। पहले किसान साथियों ये इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें किसान साथियों DAP लगा नहीं था, यूरिया लगा नहीं था, प्लस जो न्यूट्रिएंट खाद होते हैं किसान साथियों वो लगे नहीं थे। अब आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं ये लहसुन कैसी है और इसका क्या रिजल्ट निकला है किसान साथियों, क्योंकि ये अब ये 15 दिन हो चुका है और ये बाप भी आ गया है किसान साथियों खेत। अभी थोड़ी बहुत नमी है इसमें, ज़्यादा नमी तो नहीं है किसान साथियों, परंतु थोड़ी बहुत नमी है अभी भी। तो इसमें हम चलकर वीडियो बना रहे हैं किसान साथियों, ये देख सकते हैं आप अभी इसमें कालापन आ चुका है। लहसुन जैसी बननी चाहिए थी वैसी लहसुन अभी बन चुकी है, और इसका तना भी किसान साथियों अभी इसमें सभी पोषक तत्व तो हमने इसमें एक साथ में दे दिए हैं, जो कि अभी अभी अच्छे से लग रहे हैं और अपना भोजन अच्छे से ये बना रहा है। और ये ऊपर वाली तना जो किसान साथियों, ये तो जो ये किसान साथियों देसी लहसुन है, तो इसमें ये तना ऊपर वाला तो कुछ पिलासपन रहता है, और पिलासपन अभी भी इस कुछ निचले वाले पत्तों में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसान साथियों। ये बीच बीच के जो कुंदले हैं किसान साथियों वो अच्छे होने चाहिए। जो भी पहले निचले वाले पत्ते हैं वो तो ज़मीन के टिके रहते हैं, तो उनमें पीलासपन आएगा। तो ये ऊपर वाला पौधा किसान साथियों वो तो कालापन में आ चुका है अभी, और अभी आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं अच्छे से ये भी काम कर गए हैं। हमारे खाद दिए थे उसका रिजल्ट, और जिस किसी किसान भाई ने लहसुन की खेती करी है, तो अगर उसके मन में कोई सवाल है तो हमारे कमेंट में बता सकते हैं कि हम कौन से समय पर क्या डालें, तो हम इस वीडियो में आपको दिखा देंगे। और अब जो पिलाई होगी किसान साथियों, उसमें हम यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे। आने वाली वीडियो में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसी लगी किसान साथियों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।